दोस्तों आज के इस वीडियो के अंत तक मैं आपको धरती के 5 सबसे घने आबादी वाले जगहों के बारे में बताने वाला हूं, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। नंबर 1, लैगोस। दोस्तों लैगोस अफ्रीका का सबसे बड़ा स्लम एरिया है जो नाइजीरिया के साउथ वेस्टर्न हिस्से में है। 16वीं शताब्दी में इस जगह को यरूबा नाम के जातीय समूह को दे दिया गया था जो कभी गुलाम हुआ करते थे। दोस्तों 1970 के आते आते इस जगह ने काफी तरक्की कर ली है। अब ये अफ्रीका का सबसे बड़ा व्यवसायिक केंद्र और सबसे बिजी एयरपोर्ट वाला शहर है। इस शहर की आबादी लगभग 2 करोड़ है और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 के आते आते ये आबादी दुगनी हो जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो चाइना और इंडिया के बाद लैगोस दुनिया का तीसरा सबसे घनी आबादी वाला जगह बन जाएगा। नंबर 2, औरंगी। दोस्तों औरंगी पाकिस्तान के कराची शहर का एक कस्बा है जो 2001 में बना था और 19 सालों में ही इसकी आबादी लगभग 24 लाख हो गई है। यहाँ 8 से 10 लोग एक 2 कमरे वाले घर में रहते हैं। दोस्तों औरंगी का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हुए ये अंदाजा लगाया गया है कि 2025 के आते आते यहाँ की आबादी लगभग 1 करोड़ 90 लाख तक हो सकती है। दोस्तों ये कस्बा काफी गरीब है, यहाँ न तो बिजली की व्यवस्था सही है और न ही पीने वाले पानी की, जिसकी वजह से यहाँ के लोग हैजा और दस्त जैसी बीमारियों का शिकार होते रहते हैं। दोस्तों इतनी घनी आबादी वाले जगह पर क्या आप रहना पसंद करेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 3, किबेरा स्लम। दोस्तों किबेरा स्लम अफ्रीका की राजधानी केन्या के नैरोबा शहर में है। इस बस्ती की आबादी लगभग 2.5 लाख है और यहाँ एक सिंगल 12x12 के कमरे में लगभग 10 लोग रहते हैं। दोस्तों ये बस्ती अफ्रीका का तीसरा सबसे घनी आबादी वाला शहर है। यहाँ का पानी बहुत प्रदूषित हो चुका है और तो और इतनी घने आबादी वाले जगह में एक टॉयलेट तक नहीं है। साथ ही दोस्तों किबेरा में काफी लोग बेरोजगार हैं क्योंकि यहाँ रोजगार का ज्यादा अवसर ही नहीं मिलता। पता नहीं यहाँ के लोग आखिर अपना गुजारा करते कैसे हैं। नंबर 4, धारावी। दोस्तों धारावी इंडिया के मुंबई शहर के सेंटर में है। यहाँ की आबादी लगभग 5 से 8 लाख है और इसलिए ये पूरे भारत में सबसे अधिक आबादी वाला जगह है। धारावी टूरिस्ट अट्रैक्ट करने और अच्छे बिजनेस के लिए जाना जाता है। और तो और भारत के सभी बस्तियों में से धारावी इकलौता ऐसा बस्ती है जिसकी साक्षरता दर 69% है। दोस्तों धारावी में इतने छोटे घर होने के बावजूद भी हर घर में पानी, बिजली, गैस स्टोव, इंटरनेट और यहाँ तक कि टीवी भी मौजूद है। नंबर 5, मलेशिया। दोस्तों मलेशिया मालदीव्स की राजधानी है। ये एक द्वीप है जिसकी आबादी लगभग 1.5 लाख है और इस द्वीप की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये 1900 द्वीपों में से इकलौता ऐसा द्वीप है जहाँ सबसे अधिक आबादी रहती है। दोस्तों इस द्वीप पर साफ सफाई को लेकर कोई व्यवस्था नहीं है। जो भी कचरा होता है उसे द्वीप के किसी एक हिस्से में फेंक दिया जाता है। कभी कभी तो उसे पानी में भी बहा दिया जाता है जिससे समुद्री जीवों को नुकसान पहुंचता है। पर दोस्तों इन सब के बावजूद भी मलेशिया अपनी खूबसूरती से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ही लेता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो को 500 से ज्यादा लाइक्स मिलते हैं तो मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी लाऊंगा। तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।